हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आई हूँ, यहाँ पास में एक मंदिर है, शिव शक्ति मंदिर, और उसके दर्शन करने के लिए। दोस्तों, प्लैनेटरी चेंजेस आ रहे हैं और साथ में हम लोगों की जिंदगियों में भी चेंजेस आ रहे हैं। जिंदगियों में चेंजेस हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना, और फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए हमेशा ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ आपकी आने वाली जिंदगी का श्री गणेश, शुभारंभ श्री गणेश बहुत ही खूबसूरत हो। और इससे बढ़ के खूबसूरत नहीं कि मैं शिव शक्ति मंदिर आ जाई हूँ दर्शन करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग मंदिर में दर्शन ना कर पाए, वो मेरे ज़रिए आज के दिन शिव शक्ति जी से प्रार्थना करें अपने शिव को वापस पाने की, फिर से वो बातचीत आप दोनों के बीच चालू हो जो रुकी हुई है। प्रार्थना करिए कि आपका डीएम आपसे खुल के बात करे, पहले की तरह बात करे, ढेर सारी बातें करे, ढेर सारा प्यार करे, सच्चा प्यार करे, सारी बातें खत्म हो जाए। अब आज प्रार्थना करिए। प्रार्थना वहाँ पहुँचती है जब दिल से की जाती है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों, 21 मार्च। प्लैनेटरी चेंजेस हो रहे हैं, मदर अर्थ की वाइब्रेशन आज चेंज हो रही है। हम सबकी सबका रीबर्थ हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है आज के दिन से। प्रार्थना करिए, अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए। चलिए, अब मैं जाती हूँ मंदिर प्रार्थना करने, अपने लिए भी और आप सभी के लिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। दोस्तों, ये है शिव शक्ति सिद्ध पीठ। आप लोग हाथ जोड़िए, प्रार्थना करिए। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप टू यूनियन इज बी स्पिरिचुअल। इसीलिए ट्विन जर्नी को स्पिरिचुअलिटी की जर्नी कहते हैं। और मेरी पहली टिप होगी, कीप ब्लाइंड फेथ ऑन योर गॉड। भगवान पे ब्लाइंड फेथ रखिए। और जैसा ये समय चल रहा है अभी कर्मा वाला, सिर्फ एक ही सहारा है भगवान का, क्योंकि इस वक्त धर्म और कर्म का जजमेंट होने वाला है। और भगवान उनके साथ हैं जो भगवान पर ब्लाइंड फेथ रखते हैं, भगवान का हाथ पकड़ के चलते हैं। यू आर अंडर द सर्विलांस ऑफ गॉड। तो अब आपको चुनना है। और जो आपके संग बुरा कर रहे हैं, उन्हें बुरा करने दीजिए, उनको भी उनके कर्मों का फल मिलेगा, राइट? और आपको भी आपके कर्मों का फल मिलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव कर्म। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ यूनियन इज बी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे चलना है। बी स्पिरिचुअल मीन्स अलाइन विद योर ओन स्पिरिट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम लोग गॉसिप नहीं करते, अब लोगों से दूर रहते हैं, किसी को जज नहीं करते हैं, हम बहुत ज़्यादा 3D की मटेरियल चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हो, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हो। सिर्फ 3D की गॉसिप्स को छोड़कर और सिर्फ किसी को जज ना करके और अपने आप को एक अलग तरह सबसे अलग करके आपको ये लगता है कि यू आर इन स्पिरिचुअल जर्नी, नो, दिस इज योर ओनली स्पिरिचुअल ईगो और योर फॉल्स स्पिरिचुअलिटी। या आप ये सोचते हो कि हम टैरो या रेकी हीलिंग कर रहे हैं, या हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, या मे बी एनी अदर हीलिंग कर रहे हैं, राइट? सो एवरीथिंग इज ओनली मेटाफिजिक्स कंपोनेंट, इट्स अगेन नॉट एस स्पिरिचुअलिटी। आपकी स्पिरिट अलाइन विद योर स्पिरिट इज स्पिरिचुअलिटी। एंड आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको जरूरत है हीलिंग की, नहीं, आपकी कॉन्शियसनेस को जरूरत है सोल फूड की। और सोल फूड मतलब प्योरेस्ट स्टेट ऑफ योर ओन, राइट? जब आप पीस की स्टेट में आते हो, जब आप प्योरेस्ट स्टेट में आते हो,
आप जब कर्मा फ्री हो जाते हो, जैसे कि मैंने ऊपर कहा है कि अभी कर्मा का जजमेंट आप लोगों के साथ होने वाला है, इसलिए मैं भी यहाँ आई हूँ अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए, आप लोगों के लिए ताकत मांगने के लिए कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करूँ सच्चाई के लिए, सच क्या है, सच दिखाऊँ, कर्मा के लिए अग्रसर करूँ और मोटिवेट करूँ। जो आज भी फॉल्स थॉट उसमें है कि हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, क्योंकि हम लोगों को जज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई किसी प्रकार की हीलिंग कर रहे हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी में हैं। नो दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी मीन्स अलाइन विद योर स्पिरिट, ओनली अलाइन विद योर स्पिरिट, बी इन योर स्टेट ऑफ पीस, बी इन द स्टेट ऑफ योर जीरो, शून्य की एनर्जी में, राइट, जेन स्टेट, जहाँ आप कर्मा फ्री हैं, जहाँ आप पीस में हैं। रेस्ट एवरीथिंग इज कंपोनेंट ऑफ मेटाफिजिक्स ओनली, राइट। सो वंस अगेन वार्निंग यू दोस्तों, कर्मा जजमेंट टाइम हैज बीन स्टार्टेड एंड यू नो नीड टू बी वरी इफ यू आर अवेयर ऑफ कर्मा। लेट पीपल डू रॉन्ग विद यू, इट्स ओके, गॉड आपके साथ है, यू आर अंडर द सर्विलांस ऑफ गॉड। इस बात को याद रखना कि भगवान आप पे नज़र रखा हुआ है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। सो आपको सिर्फ अपने कर्मा पे चेक रखना है, बी वेयर ऑफ योर कर्मास, बी स्पिरिचुअल एंड लेट योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस राइज एंड शाइन ब्राइटर एंड ब्राइटर, ठीक है। अपनी कॉन्शियसनेस पे फोकस करिए एंड लेट योर सोल, लाइक आपके सोल की जो शाइन है और ज़्यादा ब्राइट हो जाए। यू हैव टू फोकस ऑन रेजिंग योर कॉन्शियसनेस, दैट्स इट। और वो कैसे होगा, यू हैव टू रिमूव द ईगो, ठीक है, यू हैव टू ओवरकम द ईगो, रिमूव द लेयर्स आपके अंदर। सी हम लोग कहते हैं कि एनलाइटमेंट मुझे पाना है, लेट मी टेल यू द सीक्रेट, एवरीथिंग इज इनसाइड यू ओनली। आपका एनलाइटमेंट ऑलरेडी आपके अंदर है, बस आपको रिमूव करनी है लेयर्स ईगो की, हर प्रकार के ईगो की लेयर, हर प्रकार की नकारात्मकता को, हर एक एक लेयर को, हर एक धूल को हटाना है। यू आर ऑलरेडी एनलाइटन बीइंग, यू ऑलरेडी, यूनिवर्स इज इनसाइड यू, अनंत ब्रह्मांड आपके अंदर है, मोक्ष आपके अंदर ही है। हमें कुछ बाहर से नहीं पाना है, हमें सिर्फ अंदर जाना है और अंदर की सफाई करनी है। योर थर्ड आई सिग्निफाइज यू नॉट लुकिंग आउटसाइड, योर थर्ड आई सेज शिव शक्ति, शिव जी की जो थर्ड आई है वो यही कहती है कि अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ जाओ, अंदर ही सच्चाई है, अंदर ही अनंत ब्रह्मांड है और अंदर ही आप ओरिजिनल यू हो, अंदर ही बहुत कुछ है जो आप पा सकते हो और अंदर ही सच है, और बाहर जो आप दो आंखों से देख रहे हो वो सब झूठ है, सब माया है, ओके। सो अपनी इन धूल को आपको हटाना है, दिस इज कॉल्ड ट्रू स्पिरिचुअलिटी and this is the first step of union, no other thing is comes under the union। Jai Shiv Shakti।